क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास है और इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉस प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये पहले हमें एग्जाम्पल में बतला दिया जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ आपको सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस बार आप लोग जान लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर अब प्रॉफिट परसेंट कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। CPSP यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ CP एंड SP, इस तरह से SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। और ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आपको आसान करेगा और उस हिसाब से आप जान पाएंगे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतलाई गई है पहले ही, प्रॉफिट और लॉस एज ए परसेंट, उसे परसेंट के रूप में हम कैसे निकाल सकते हैं। जब कोई भी चीज़ हम कम कीमत में खरीदते हैं, जितना कीमत में खरीदते हैं उससे ज़्यादा कीमत में जब हम बेचते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं CP छोटा है SP से, CP लेस देन SP, तो ऐसे स्थिति में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP होता है, और CP ज़्यादा हो SP से, खरीदने की कीमत ज़्यादा हो बेचने की कीमत से, तो ऐसे स्थिति में लॉस होता है। और लॉस का यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है CP माइनस SP। इस तरह से कई इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे SP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ये हमें लॉस और प्रॉफिट के बारे में बतलाते हैं कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है ये बतलाना है। और इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो लेन देन में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे बतलाना है। उसके बाद अल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, और प्रत्येक मामले में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट दिखाना है और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट दिखाना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर का हम सॉल्यूशन लेते हैं। ए इसमें गार्डनिंग शेयर्स बाउट 4, मतलब बगीचे में काम आने वाली जो कैंची होती है उसका बाउट मतलब खरीदा गया, ठीक है। इसका मतलब है कि CP हो गया, खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया CP। तो चलिए इसका CP हम ले लेते हैं और एक SP जो है उसको भी ले लेते हैं, इसका SP भी ले लेते हैं, यहाँ पे SP ले लेते हैं। CP क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है ₹250 और SP मतलब सेल प्राइस, ठीक है, ये दिया हुआ है 325। इसका मतलब है कि SP बड़ा है, SP जब बड़ा हो CP से तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट ये होता है। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP हमारे पास क्या है, SP है 325 और CP क्या है 250। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं, 5 पहले हो गया, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, और यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 बची गया, ठीक है। तो 2 में से 2 तो 0, 75 रुपीज़ ही होगा, ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है, चलिए इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम, क्योंकि प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो प्रॉफिट पर
परसेंट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी। तो यहाँ पे हम सीपी लगा देते हैं, ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट है 75, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, सीपी कितना था 250 यहाँ हो गया। अब हम इसको काट देते हैं, ये काट दिए, जीरो कट गया और एक जीरो यहाँ से कट गया, और 25 3 जा 75 आता है, 3 बार में ये कट गया, ठीक है, 3 और 10 बच गया, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 10 30 हो गया, तो 30% हो गया प्रॉफिट जो है वो, परसेंट में जब हम लेंगे तो वो 30% हो गया। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है बी नंबर में, तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर हम ले लेते हैं, हमारे पास बी पार्ट है, इसमें भी सीपी जो है ये रेफ्रिजरेटर अबाउट 4 रुपीज़, इतना रुपीज़ 4 12,000 एंड ये अबाउट मतलब खरीदा गया और सोल्ड मतलब बेचा गया, ठीक है। यहाँ पे सीपी और एसपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है रुपीज़ 12,000, ठीक है, और सेल प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ 13,500। देख रहे हैं कि यहाँ पे एसपी जो है वो बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगेगा, और इसमें एसपी जो दिया हुआ है 13,500 माइनस हो जाएगा 12,000, हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ कितना आ जाएगा 1,050,500, इतना आ जाएगा, ये आ गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट फर प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो है वो ये रहा, ठीक है। इस पर हम जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पुट कर देते हैं, प्रॉफिट जो है 1500 है, मल्टीप्लाई 100 हो गया, सीपी कितना है 12,000, इतना है, काट देते हैं इसको, ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, और एक जीरो यहाँ से और फिर यहाँ से काट दिए, किससे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया, एक जीरो यहाँ पे आ गया, ये कट गया, और एक बार फिर से कटेगा, 4 जो है 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 50 जो है वो 25, 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, फाइनली हमारे पास आ गया 25/2, इतना परसेंट। तो इसको पॉइंट में हम निकाल के लिख देंगे 12.5% हो गया, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बी नंबर का। नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, सी पार्ट हो गया ये। इसमें कह रहा है ए कपबोर्ड बाउट 4 इतना रुपीज़, इतना में खरीदा गया, सोल्ड इतना, देखिए यहाँ 2500 रुपीज़ में खरीदा गया और 3000 रुपीज़ में बेचा गया, इसका मतलब है कि अभी भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सारा कुछ हम यही रहने देते हैं। और अब जो है यहाँ पे सीपी जो है इसका 2500, मतलब 2500 इतना रुपया है, और सोल्ड मतलब एसपी बेचा गया 3000, इतना प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे 3000 माइनस 2500 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 500 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है फॉर्मूला सेम यही रहेगा, और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, ये 500 हो गया और ये 100 हो गया, सीपी 2500 काट देते हैं इसके, ये 20 यहाँ से और ये 20 यहाँ से, 25 2 जा 50 ये कट गया, एक जीरो और है इसको भी काट देते हैं और एक जीरो यहाँ बैठा देते हैं, फाइनली हमारे पास आ गया है 20%, कितना परसेंटेज में जो है प्रॉफिट ये हो रहा है, ये इसका आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है डी नंबर, इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, क्योंकि डी नंबर पार्ट, डी पार्ट जो है वो प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम डी ले लेते हैं,
यहाँ पे डी आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्कर्ट बाउट, एक स्कर्ट जो है खरीदा जा रहा है कितना में खरीदा गया, मतलब सीपी 250 एंड सोल्ड 150, 250 में खरीदा गया और 150 में ही बेच दिया गया, इसका मतलब है कि लॉस हुआ। यहाँ पे सीपी 250 एंड एसपी 150, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस मतलब है कि इसको हमें चेंज करना होगा, इसका फॉर्मूला जो है हमारे फॉर्मूले में इस तरह से बदलाव आ जाएगा, लॉस इक्वल टू सीपी जो होता है वो बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, ठीक है। तो इस अनुसार से सीपी कितना हो गया 250 माइनस 150, तो कितना का लॉस हुआ, लॉस हुआ 100 का। रुपीज़ डाल देते हैं इसमें सिंबल, रुपीज़ का सिंबल और 100। अब लॉस परसेंट इसको निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यही होता है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इनटू 100 बाय सीपी। तो लॉस हमारे पास 100 हुआ और 100 फॉर्मूले में है, उसके बाद सीपी जो है 250 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से इसको काट देते हैं, 10 और 25 फोर जा 100, फोर बार में ये कट गया, तो 4 और 10 बच गया, 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 40% का लॉस हुआ। और ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट इच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, ठीक है। मतलब जो रेशियो में दिया हुआ है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है और ये 3 पार्ट में दिया हुआ है, ये 2 पार्ट में है और ये 3 पार्ट में है। तो 2 पार्ट वाला तो बनाना आसान है, लेकिन 3 पार्ट वाला कैसे बनेगा, ठीक है। फर्स्ट में हम ले लेते हैं ए नंबर का 3:1 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ ये जो है कटने वाला था नहीं, 1 से कटता नहीं है, फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब हो गया 300, और ये 300% हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड बी, बी पार्ट में दिया हुआ है 2:3:5, इसको क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए 2+3+5 कितना हो गया 10, ये 10 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कैसे निकलेगा, ये 2 जो है 2 को हम लेते हैं और नीचे में 10 कर लेते हैं, 10 का 2 पार्ट है ये फर्स्ट, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 कट गया, 10 यहाँ से कट गया, 10 2 20 हो गया, ये 20% हो गया, फर्स्ट वाला जो है 20% हो गया। उसके बाद जो 3 दिया हुआ है हम इसको 3/10 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, फिर से 10 और 10 कितना हो गया, 10 3 30, ये 30% हो गया। और एक बचा हुआ है 5, तो 5/10 कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 10 10 खत्म हो गया, कितना बच गया, ये 10 और 5 बच गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 5 50, इतना परसेंट हो गया। तो देखिए तीनों को जब हम मिलाएंगे तो 100% हमारा होना चाहिए, यहाँ पे 20 और 30, 50 हो गया और ये 50 50 50, 100 हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। अगला लेंगे हम लोग सी पार्ट, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको पूरा हटा देते हैं, उसके बाद सी पार्ट लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1:4, क्या करेंगे 1/4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 100 काटेंगे तो कट जाएगा पूरा, कितना बार में 4 बार, 25 बार में, कितना आ गया 25 1 जा 25, इतना परसेंट, ये इसका आंसर हो गया। डी पार्ट में लेते हैं, और इसमें भी 3 पार्ट में दिया हुआ है, 1:2:5, तो इसको 1+2+5
कितना हो गया 538 हो गया। फर्स्ट का 1/8 मल्टीप्लाई 100 कटने वाला है, 4 से काट देते हैं, 4 2 8 हो गया, और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में जाएगा, ऊपर में हो गया 25 और नीचे हो गया 2। इसको निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, इतना परसेंट लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला लेते हैं 2/8 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर से वही होगा 4 2 8 हो गया, और 425 को मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, ये हो गया, और ये 2 2 कट गया, इसमें कम्प्लीटली बचा क्या इसमें 25%। उसके बाद एक और है, 5 है, 5/8 मल्टीप्लाई 100, 2 से ये कटेगा, 4 2 8 हो गया, 4 से काट दे रहे हैं, और ये 125 और नीचे में हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करने से क्या हमें मिलेगा, इसको डिवाइड करने पर 2 6 12 हो गया, 6 बार में पहला बार जाएगा, उसके बाद 5 तो 2 4 2 2 4 हो गया, पॉइंट हो जाएगा, 2 5 10 आएगा, इसमें इतना परसेंट हो जाएगा। इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 100% मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं 12.5 हो गया, उसके बाद ये 25.10 कर देते हैं, और 62.5 देखते हैं, यहाँ तो 0 हो गया, 10 का 1 बच गया, 5 और 4 9 और 1 10 हो गया, फिर से 0 1 बच गया, और 6 और 3 9 और 1 10 पूरा 100 आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। इस क्वेश्चन को मैं कुछ दिन पहले, जिसमें कि क्लास 7 का जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें मैंने सॉल्व किया था। चलिए फिर इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक सिटी का पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है इतना था 25,000, अब उसमें से घट के इतना हो गया, मतलब 500 जो है घट गया, 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो इसमें घटने का परसेंटेज निकालना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज, मतलब सिटी का पॉपुलेशन कितना था, जो था उसको हम लिख देते हैं 25,000, कितना पॉपुलेशन था, और अब जो है कितना हो गया है आफ्टर डिक्रीज्ड पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन घटने के बाद ये कितना हो गया है 24,500,000 डिक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कितना हुआ, कैसे पता चलेगा, वो 25,000 - 24,500,000 इक्वल टू कितना हो गया 500 जो है वो डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगा। डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज पॉपुलेशन, जो डिक्रीज हुआ वो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100 बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारा कितना था 25,000। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो है इसी पे हम सेट करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और अब जो है इसको डिक्रीज पॉपुलेशन कितना है 500 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000, बस इसको जो है हम कट कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, 0 से काट दिया इसको, 2 0 कट गया, यहाँ भी 2 0 कट गया, 1 0 बचा हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ से काट दिए, 25 2 जा 50 टू बार में ये कट गया, तो बचा क्या ओनली 2, तो ओनली 2% ही घटा है,
और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर, और इसमें कह रहा है अरुण बाउट ए कार फॉर इतना रुपीज। अरुण एक कार खरीदता है 3,50,000, मतलब 3.5 लाख रुपया में। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू इतना, उसमें इतना प्राइस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है अगला साल जो है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो कितना परसेंट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जो प्राइस बढ़ा है उसे परसेंटेज में हमें दिखाना है। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया सी पी ऑफ ए कार लास्ट ईयर, मतलब वही कार जो है पिछले साल उसका कीमत था ₹3,50,000, इतना उसका कीमत था। और अब जो है प्रेजेंट ईयर में उसका सेल प्राइस जो है एसपी ऑफ सेम कार प्रेजेंट ईयर, सेल प्राइस उसका क्या हो गया है रुपीज, इसमें 3 कोमा है और यहाँ पे 70 हो गया है, फिर कोमा और इस पर 3 जीरो, इतना हो गया। तो फिर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ दैट कार, उस कार का जो कीमत बढ़ गया हो, कितना कीमत बढ़ गया, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। क्या करेंगे, जो ज़्यादा कीमत है उसमें से कम कीमत को माइनस कर देंगे, 3.7 पे कितना जीरो है, 4 जीरो माइनस हो जाएगा, ₹3,50 पे 3 जीरो, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम डाउन कर लेते हैं जगह, ये फॉर्मूला लगेगा, इसको यहाँ कर देते हैं, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंट आ रहा है, 20,000 का डिफरेंट आ रहा है, 20,000 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसका प्राइस में, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज प्राइस ये निकल गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा इंक्रीजिंग परसेंट, हम इस तरह से निकालेंगे, इंक्रीजिंग प्राइस पहले लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी पी ऑफ कार जो सबसे पहले दिया हुआ था ये 3,50,000, इसको हम डालेंगे। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इसको वैल्यू को, इसमें हम जगह बना लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जो कुछ भी बतलाया गया। और यहाँ पे इसमें इंक्रीजिंग प्राइस क्या है, 20,000, ये हो गया 20,000 मल्टीप्लाई 100, और सी पी क्या था उसका 3,50 पे 3 जीरो, इतना। अब हमें इसको काटना है, सबसे पहले 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं और 2 जीरो इसका काट देते हैं, फिर से 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं और 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं, अब इतना हो गया। अब हम इसको कितना से काटें, 5 से काट देते हैं, 5 7 जा 35 हो गया, और 5 4 जा 20, और उस पर 1 जीरो बैठा देते हैं, 200 कट गया। अब तो लगता नहीं कि कटने वाला है, 7 का टेबल में 40 तो आने वाला नहीं है, फाइनली हमारे पास 40/7 आ रहा है। तो इसे हम दो तरह से आंसर दे सकते हैं, या तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दें या फिर पॉइंट में दे दें, तो 7 5 जा 35 हो गया। इसके बाद पॉइंट आएगा, 5 बचेगा 50, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 7 जा 49 5.7 हो गया, ठीक है 5.7, इतना परसेंट हम दे सकते हैं इसको, या फिर हम दे सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 5 तो आएगा ही और बच कितना जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम ऊपर में 5 दे देंगे और नीचे में 7 दे देंगे, ऐसे दिखा सकते हैं, ये आंसर है, इन दोनों में से किसी को भी दिखा सकते हैं। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, आई बाय ए टी वी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने एक टी वी 10,000 रुपये में खरीद लिया और उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो बेचने पर मुझे कितने पैसे प्राप्त हुए, मतलब एसपी कितने में मैंने बेचा इसे, सेल प्राइस इसको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले
सीपी ऑफ द टीवी, टीवी का कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज 10,000, इतना हो गया। और प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, 20% ऑफ सीपी, सीपी जितना है उसका 20%, ठीक है। तो परसेंट जो होता है वो सीपी का ही होता है, ये हो गया। अब जो है मतलब है कि प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चल जाएगा हमें इससे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20% मतलब हो गया 20/100, ऑफ मतलब हो गया इसका मल्टीप्लाई दे देंगे, और सीपी जितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, 10,000 यहाँ लिख देते हैं, और इसको जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो दो जीरो यहाँ कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 100 और यहाँ 20, 120 मतलब 20 जितना है उस पर दो जीरो बैठ जाएगा, मतलब 2,000 रुपीज़ जो है वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं, इतना रुपीज़ इसको प्रॉफिट हो गया। अब जो है हमें निकालना है एसपी मतलब बेचने का प्राइस निकालना है, तो कितना रुपया में इसको बेचा गया, तो एसपी इक्वल टू का फॉर्मूला ये होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सेल प्राइस निकल जाएगा, तो सीपी कितना दिया हुआ है 10,000, इतना में उसने ख़रीदा था, प्लस जो है 2,000 उसको प्रॉफिट हुआ, तो फिर कितना हो गया, मतलब हो गया कि उसका सेल प्राइस जो है वो 12,000 हो गया, 12,000 इतना रुपया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कह रहा है जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ इतना, इतने रुपये में जूही एक वॉशिंग मशीन को बेच देती है, इसका मतलब है कि ये सेल प्राइस हो गया एस पी। सी लॉसेस 20% इन द बार्गेनिंग, तो इस बिजनेस में उसको 20% का लॉस होता है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बाउट इट, तो फिर उसने इसे कितने रुपये में खरीदा था, मतलब सी पी हमें निकालना है। सी पी हमें पता नहीं है, इसको लेट कर लेते हैं। सी पी इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स मान लिए। एस पी ऑफ वॉशिंग मशीन मतलब सेल प्राइस, इसका बेचने का प्राइस जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रुपीज़ 13,500, इतना प्राइस इसका दिया हुआ है, और लॉस कितना हो रहा है इसमें 20% लॉस हो रहा है। 20% जो होता है वो किसका परसेंट होता है, सीपी का होता है, ऑफ सीपी। तो सीपी तो हमने एक्स मान लिया है, तो लॉस इसमें से निकाल लेते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई सी पी एक्स हो गया, हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब ये 20/100 जो है इसको हम छोटा कर लेते हैं, काट के 5 बार में ये कट जाएगा, 25/100 और ऊपर में 1 हो गया, इसका मतलब है कि 1 तो लिखा नहीं जाता, एक्स लिखेंगे, एक्स बाय 5, इतना जो है ये लॉस हो गया। अब जो है ये फॉर्मूला एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, इस फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे और सी पी निकालेंगे, सी पी इसमें है और लॉस हो रहा है, सेल प्राइस भी दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सेल प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 13,500, यहाँ पे हमने एस पी लिख दिया, इक्वल टू सी पी एक्स है माइनस, और लॉस जो है एक्स बाय 5, ये दिया हुआ है। हम इसको चलिए जगह बना लेते हैं, आप लोग बाकी जितना दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पे इसमें एक्स इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है 5 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, और 13,500 यहाँ पे जो है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 5 आया तो एक लाइन लेंगे और नीचे में 5 लिख देंगे, उसके बाद 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, 5x हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मतलब x आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम इधर ले लेते हैं, 13,000 और 500 हमारे पास तो है ही, इक्वल टू
कितना हो गया, 5x में से एक एक्स चला गया तो 4x हो गया, 4x और नीचे में 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही रहेगा, और ये जो है 13,500 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। उसके बाद 4x में से हम सिर्फ x रखेंगे और बाकी जितना भी है 13,500 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे और 4 इन सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 4 जो है वो इसके साथ डिवाइड होगा, जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। 4 कितने बार में जाएगा इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 से 13,500, ठीक है, तो 4 3 जब 12 हो गया, कितना हो गया 1 और यहाँ पे 5, 4 3 जब 12 हो गया, फिर कितना हो गया 5 3 हो गया, यहाँ पे 3 और 0, 4 7 जा 28, फिर से 2 बच गया, 2 बच जाएगा तो यहाँ 0 आएगा तो 20 कट जाएगा, 4 5 जा 20, मतलब ये 33 75 इतना आ रहा, ये कट जाएगा कम्प्लीटली, ये कट गया, कितने बार में कट गया 33 75, यहाँ पे चलिए इसको कट गया है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 33 75 बार में कट गया है, इसको मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3375 बाय, मतलब मल्टीप्लाई 5, 5 जब 25 हो गया 2 बच गया, 7 5 जा 35 और 2 37 हो गया, 3 बच गया, उसके बाद 3 बच गया, यहाँ पे 5 3 जा 15 16 17 18, 1 बच गया 15 116, मतलब इतना आ गया। x जो हमारा x जो CP है वो इतना हो गया 16,875, और यही जो है ये रुपीज का सिंबल दे देते हैं, यही CP है, ठीक है, आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है, इसमें दो पार्ट में दिया हुआ, ठीक है, चौक कंटेंस कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, इस तरह से चौक में जो है इन तीन चीज़ों का रेशियो में इसका क्वांटिटी दिया हुआ है, कैल्शियम पहले दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये दिया हुआ है, पहला वाला जो है कैल्शियम हो गया 10 जो दिया हुआ है, 3 जो वैल्यू दिया हुआ है कार्बन हो गया, और 12 जो दिया हुआ है वो ऑक्सीजन हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, तो इसमें सिर्फ कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। सेकेंड नंबर में इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, अगर कार्बन का जो क्वांटिटी है वो 3 ग्राम है एक चौक स्टिक में, तो फिर उस चौक स्टिक का टोटल वेट क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं और गिवन रेशियो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 10:3:12, ये दिया हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 10+3+12 कितना हो गया 12 हो गया, 3 15 हो गया, 15 और 10 25 हो गया 25। अब जो है हमें सिर्फ कार्बन का निकालना है, तो कार्बन जो है वो बीच में है, मतलब ये 3 वाला पार्ट जो है वो कार्बन का है, ठीक है, तो वही हमें निकालना है उसका परसेंटेज। इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 3/25, ये पार्ट है कार्बन का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा, ये कट जाएगा 25, 4 जा 3 4 जा 12, तो कार्बन का परसेंटेज जो है चौक में 12% है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 12%। कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, हमारे पास निकला हुआ है कार्बन कार्बन परसेंट इन चौक 12%, और यहाँ पे कह रहा है 3 ग्राम अगर कार्बन है
तो फिर उस चौक स्टिक का वेट कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है 12% इज 83 ग्राम। 3 ग्राम जो है वो 12% है। देन होल क्वांटिटी मतलब पूरा वेट उसका क्या हो जाएगा। पूरा वेट हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ग्राम। ये एक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसे ऊपर कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे 12% मतलब हो गया 100 ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ एक्स हो गया इक्वल टू 3 ग्राम। अब यहाँ पे एक्स 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो फिर हम इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं 4 से, 4 3 12 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। हम यहाँ पे इसको लाइनिंग ले लेते हैं और 3x हो जाएगा यहाँ पे, 3x बाय 25 इक्वल टू 3 ग्राम हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे नीचे 1 कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 जो है यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू ओनली बच गया है 25। होल क्वांटिटी जो है x है, तो x इक्वल टू हमें मिल गया है 25 ग्राम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कह रहा है अमीना बाय ए बुक फॉर इतना। अमीना एक किताब खरीदती है 275 रुपये में एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%, और फिर 15% के लॉस पे उसको बेच देती है। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो फिर वो कितने रुपये में बेचती है, मतलब सेल प्राइस SP निकालना है हमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। CP ऑफ द बुक, तो सेल कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस जो है इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹275। लॉस कितना है, 15%। 15% ऑफ लॉस हमेशा परसेंट में जो होता है वो CP का ही होता है। ठीक है, तो ऑफ CP हो जाएगा, CP, और CP कितना दिया हुआ है, तो लॉस हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 15% को हम लिखेंगे 15% एक स्टेप और ले लेते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और CP 275 दिया हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ पे 15/100 लिखेंगे मल्टीप्लाई 275, ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100 हो गया, और 10 बार में 250 होगा, तो एक बार और लेते हैं, 11 बार में ये 275 से कट जाएगा, और कटने वाला नहीं है। फाइनली हमारे पास आ गया है 15 × 11/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे भी 15 होगा, 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, मतलब है 165/4। इसको 4 से हम डिवाइड देंगे, 4 यहाँ पे 165, 4 4 जा 16 हो गया, ये तो कट गया, 5 नीचे आया और 1 बार में जाएगा, 4 फिर से 1 आ गया, और जो है यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जो 2 बार में जाएगा इतना हो गया, और फिर से यहाँ 2 बच जाएगा, तो फिर 20 बार में, मतलब 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 5 जा 20, मतलब फाइनली जो है यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे हमारा लॉस जो है ये हो गया
41.25, ये हमारा लॉस हो गया। रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे रुपीज़। अब जो है इसको मिटा देते हैं। अब इस फॉर्मूले से हम इसका एसपी निकाल लेंगे। एसपी का फॉर्मूला ये हो गया, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। यहाँ पे सीपी कितना है 275 माइनस 41.25, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 275 इसको रफ कर लेते हैं, 41.25 यहाँ जीरो डाल देते हैं माइनस, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 7, और यहाँ पे 4 4 में से 1 3, 7 में से 4 3, और यहाँ पे 2। फाइनली जो है इसका आंसर आ जाएगा 233.75। इसको रुपीज़ में कर देते हैं, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल देते हैं। रुपीज़ 233.75, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन इच केस। प्रत्येक मामले में हमें अमाउंट निकालना है जितना 3 साल के बाद पेड किया जाएगा। फर्स्ट में दिया हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जितने पैसे लिए जाते हैं और इतना 1200 और एट 12% पर एनम, मतलब प्रत्येक साल का इसमें रेट हो गया 12%। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल इतना और 5% पर एनम, पीए मतलब पर एनम मतलब हो गया प्रत्येक साल, ठीक है। इसमें एसआई का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, और उस हिसाब से फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो इसी फॉर्मूले से ये कंप्लीट बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया और इसका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे P इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1200, R इक्वल टू दिया हुआ है 12, और टाइम जो है पहले ही 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और नीचे में 100 हो जाएगा। और ये 20 कट जाएगा इस 20 से, नीचे पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 12 जा हम लोग जानते हैं 144 होता है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा इसका, रुपीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 हो गया, 1 बच गया, 4 3 12 और 113 हो गया, फिर से 1 बच गया, और 3 1 3 और 1 4 हो गया। इतना रुपया जो है इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या है, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट जो होता है वो पी प्लस आई, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है, और पी जो है वो 1200 है, ये 1200 हो गया प्लस 432, 1200 में 400 और जुड़ गया 16, और 32 है इसमें तो 1632 हो जाएगा, तो रुपीज़ 1632, और यही फाइनल इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया ए पार्ट। सेकंड पार्ट ले लेते हैं बी पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसका जो है इसी फॉर्मूले से बनेगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7500 हो गया, 7500 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है 5, और टी इसका 3 ही रहेगा, नीचे में 100, ये 20 इस 20 से काट दिया, बच किया गया 5 3 15, इसको कर लेते हैं और ये 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना आएगा 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 बच गया, और 7 5 जा 35 2 36 37 हो गया, और यहाँ पे 75 वन बार में 5 यहाँ पे आ गया, 7 5 12 1 बच गया, और 7 3 10 और 1 11 हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो 11 25 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं,
अब जो है अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट इक्वल टू ये हो गया पी प्लस आई। तो पी हमारे पास कितना है 7500 प्लस इंटरेस्ट आ गया 1125 इक्वल टू जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 0 2 तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 15 और 16 हो गया और 718 हो गया, इतना रुपीज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 11 को मैंने साथ में ले लिया हुआ है। चलिए पहले 10 को सॉल्व करते हैं। व्हाट रेट गिव्स रुपीज़ 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ इतना इन टू ईयर्स। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे व्हाट रेट मतलब रेट निकालने के लिए कह रहा है, परसेंटेज जो रहता है उसी को रेट बोलते हैं, तो ये निकालना है। और यहाँ पे 280 जो है वो इंटरेस्ट है, एसआई जो हो गया वो ये हो गया, ठीक है। और सम तो ये पी हो गया और ये टाइम टी हो गया टू ईयर्स। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आर नहीं है, ये जो है हमें आर निकालना है, तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। एसआई हमारे पास है, यहाँ पे एसआई की जगह पे हम 280 दे देते हैं, 280 जो कि हमारे पास है, हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। और पी दिया हुआ है 56,000 मल्टीप्लाई आर को हम सिर्फ आर ही लिख देते हैं क्योंकि वही हमें निकालना है। और टाइम की जगह पे 2 है और यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं और क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस एरिए को जो है जिसमें आर है हम इसको इधर रख देंगे। 56 हो गया 1000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 280। हमें अभी इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऐसे अलग अलग है उसी को रखेंगे क्योंकि हमें काटने में सुविधा होगा। आगे जो है हम सिर्फ आर को रखेंगे इधर, ठीक है, आर इधर रह जाएगा क्योंकि हमें आर निकालना है। और 280 जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 100 हो गया। और इसके नीचे जो है इसमें जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे 56,000 ये जो है नीचे में आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 ये आ गया। अब टोटल हमें काटना है, काटते हैं, ये दो जीरो कट गया और ये दो जीरो कट गया, इसमें से एक जीरो कट गया, इसमें से भी एक जीरो कट गया, सभी जीरो कट गया। अब 28 जो है ऊपर बचा हुआ है, नीचे 56 बचा हुआ है, तो 28 2 जा 56 होता है, 2 बार में ये कट गया, तो हमारे पास आ गया ऊपर में जो है 1 रह गया और नीचे में 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड में जितना आएगा वही परसेंट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 4 डिवाइड 1 को हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, इसमें 0 डाल देंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, फिर से इसमें 0 लगेगा, पॉइंट है, 4 5 जा 20 कट गया पूरी तरह से, ये कट गया। इसका मतलब है कि पॉइंट में हम इसको दिखाएंगे कितना हो जाएगा, 0.25%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11, इसमें कह रहा है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, मतलब सालाना एक साल में 9% के रेट से उसने इंटरेस्ट एक साल का दिया 45 रुपीज़, व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड। तो उसने कितने रुपये लिए थे, मतलब जो रुपये लिया जाता है वो पी में आता है, ठीक है। तो पी इसका मतलब है कि पी हमारे पास नहीं है, पी हमारे पास नहीं है, पी हमें निकालना है। इसमें दिया हुआ है एसआई, दिया हुआ है इंटरेस्ट दे दिया है, उसके बाद आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहाँ पे, और टाइम दिया हुआ है एक साल कह रहा है पर एनम, तो 1 ईयर्स दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले से ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एसआई हमारा 45 है,
इक्वल टू पी हमारे पास तो नहीं है, ठीक है, पी को हम पी ही लिख देते हैं, और आर दिया हुआ है 9 और टाइम दिया हुआ है 1, एक साल, इसको 100 कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसके नीचे हम 1 ले लिए। अब जो है ये 9 है, यहाँ पे पी मल्टीप्लाई 9 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, इसीलिए इसको हम वही रख देते हैं, 45 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। फिर से इसको हम P इधर ले लेते हैं, P हमें निकालना है, तो P इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 100 दिया हुआ है, और उसके साथ में 9 है, तो वो 9 जो है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, 9 से 45 कट जाएगा, 95 जा 45, P इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं 500, मतलब उसने 500 रुपीज़ उधार लिया था, ये आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.2, इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।